नमस्कार दोस्तों, आज 10 जनवरी है और आज मैं गुलाब को रिपॉट करने जा रही हूँ जो कि मैंने कटिंग से लगाया था। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये तो मदर प्लांट है, ये वाला मदर प्लांट है। इसी से ही को जब मैंने प्रून किया था तो उसके बाद कुछ जो कटिंग निकली थी उनको उनसे ही लगाया था। तो ये देखिए, आज बस चलिए इस पे इसको ना वो करते हैं, इसी पे ही आज वीडियो शेयर कर रही हूँ मैं। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड है कि गुलाब की रिपोर्टिंग पर वीडियो बनाए, तो बस आज धूप भी निकली है और फिर ये हुआ कि चलो आज भाई थोड़ा सा, आप लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं तो आज मैं इसी पर ही वीडियो शेयर करूँ। उसके पहले ये देखिए, ये वाला वाइट खिलने वाला, अब चूँकि धूप निकली है ना तो थोड़ा सा ये सही होगा। और अब मैं इनमें फर्टिलाइज़र भी दूंगी क्योंकि ये सब देखिए, एक एक रुपए वाले जो ये थे ना, ये वाले डहेलिया, इसमें ये देखिए कली आ गई। अब भाई कोई तोड़े ना तो बस चलो, है ना, अपने काम पर लग जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो आपको दिखाती हूँ ये सब कटिंग वाले हैं, ये हो गया और ये है दो और ये है तीन है। तो इसको पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, क्योंकि भाई यही तो ग्रोथ होने का सीज़न है, यही तो टाइम है। मतलब देसी जो गुलाब होता है ना, ये तो वैसे भी साल भर चलता है, गर्मी में भी इसमें फूल निकलता ही है। तो मुझे देसी गुलाब ही पसंद है फिलहाल, मैं अभी ज़्यादा उसमें नहीं हूँ ये। लेकिन पता ही क्या है, इतना अच्छा मौसम है, सब है, लेकिन ये साइज़ इसका छोटा इसी चक्कर में है क्योंकि इसको ज़रूरत है। अब ये हो गया होगा रूट बाउंड। तो चलो पहले इसकी स्टोरी, तो थोड़ा बहुत छोटी सी एक स्टोरी बता दूं कि ये कितना पुराना है। मैं करती जा रही हूँ उधर और आपको बताती भी जा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है, पहले देखो ये वाला एक गमला है, मैंने खाली किया है। अब मैं इस तरीके के गमले धीरे धीरे करके ना यही सब लगा दूँगी और बाकी बाकी ना अब ग्रो बैग ख़रीदना है मुझे थोड़ा सा, बस उधर जाऊंगी तो ग्रो बैग ख़रीदना है, देखती हूँ उसमें बड़े बड़े प्लांट लगाऊंगी अब, क्योंकि वजन भी थोड़ा सा वो कम होता है। बाकी ये सब गमलों में यही सब गुलाब गुलाब लगा दूंगी। तो ठंड भाई बहुत है, आपको लग रहा होगा ये कैसे, सच में इतनी ठंड लग रही है इस टाइम पर, धूप निकली है तो ठीक भी लग रहा है थोड़ा। तो ये गमला ये देखो मैंने खाली किया और नीचे ना ये देख रहे हैं इतनी अच्छी ये मिट्टी हो रखी है, वही कुछ भरा भरा होएगा नीचे। तो इसकी स्टोरी ये है कि ये 2024 है ना जनवरी, और 2022 में 2000 मतलब 22 में मैंने जब अक्टूबर नवंबर में प्रून किया था, वो ये जो प्लांट आपको दिखाया, तो उसमें से मैंने जो कटिंग ली निकली थी वो सब ऐसे ही बस लगा दिया था, कोई तैयारी नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं था। उसके बाद ये सब लग गई थी तो फिर बकेट में मतलब लगाया था, बकेट जो थी उसी में लगाया था। तो वो कहाँ चला गया, इसके नीचे रखा था, होल ये है। तो ये जो है उसके बाद वो सब हो गया था, फिर मैंने निकाला। और जब भी हमें कोई भी प्लांट रिपोर्ट करना चाहिए ना, तो बहुत ही बड़े से गमले में रूट जो बॉल होता है ना, जो प्लांट का रूट बॉल होता है, उससे 1 इंच या 2 इंच बस जो गमला हो उसमें रिपोर्ट करना चाहिए, सीधे नहीं कि कटिंग निकाला उधर से और इधर। इसीलिए मैंने इसमें इस छोटे से मतलब उसमें पॉट में कर दिया था, अब ये काफ़ी सही हो गया है। तो इसमें कुछ नहीं मिलाने वाली मैं, बस वही थोड़े से देखो खाद लेके आई हूँ, ये वो है, ये ना वर्मी कंपोस्ट है। तो बस वर्मी देख रहे हैं आप, मेरी इस मिट्टी का कलर और इसका कलर सेम लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं मिट्टी मिला रही हूँ खाद मिला रही हूँ। ये देखिए ये खाद है, ये खाद मिला रही हूँ मैं, और ये देखिए मिट्टी, दोनों का कलर सेम टू सेम हो रहा है, क्योंकि इसमें नीचे जैसे मैं बोलती हूँ ना कि कुछ रख सब रख देती हूँ तो वो खाद ही एक तरह से बन जाती है।
तो फिलहाल अगर आप नया मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आप मिट्टी में कम से कम 40% खाद मिक्स कर दीजिए, और खाद ले लीजिए, मिट्टी बहुत चिकनी हो तो उसमें सैंड मिक्स कर दीजिए। अगर आपका मन हो श्रद्धा अनुसार आप उसमें वो भी डाल दीजिए, नीम खली भी डाल दीजिए। फिलहाल तो मेरी श्रद्धा नहीं है समय नीम खली वाली डालने की, मैं नहीं डाल रही हूँ, मिट्टी बिल्कुल कोई कीड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, और ये नहीं डाल रही हूँ। और एक चीज़ डाल सकते हैं, चलो वो एप्सम सॉल्ट डाल देते हैं। तो ये है एप्सम सॉल्ट, ये मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, बाकी इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, चलो जो है वो भी डाल देती हूँ। और तो कुछ नहीं डाल रही हूँ, खाद बस जितना था यही डाल दिया, और नहीं डाल रही हूँ खाद की, मेरी कुछ मतलब इसमें नहीं ज़रूरत है। इसका टेक्सचर देखो कुछ इस तरीके से है ऐसे, जबकि बारिश थोड़ा बहुत कल हुई है ना, तो मिट्टी अगर बहुत वैसी होती, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए ना कि जिसमें पानी रुके नहीं। आप देखो कितनी अच्छी मिट्टी हो रही है, ये बहुत अच्छी है ये, तो इसमें और कुछ नहीं डाल रही हूँ फालतू में, बस अब इसको मैं भर देती हूँ। और रही उसकी बात, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड गुलाब की, तो हाइब्रिड गुलाब मैंने अब बना वो ख़रीदना ख़त्म कर दिया, क्योंकि मेरे यहाँ ना घर में सिर्फ धूप ही धूप, पूरा इतनी ज़्यादा धूप आती है ना बालकनी से लेके आंगन तक, हर जगह बचाना बहुत मुश्किल होता है। एक साल बच जाता है किसी ना किसी वजह से उसको, मतलब वो ऐसी जगह पर चल पाता है ना जहाँ धूप थोड़ा कम हो, मेरे यहाँ बहुत धूप आती है, वेस्ट फेसिंग मकान है। तो ये देखो ये महाराज जी पहुँच रहे हैं अभी, इसमें कितने वो निकल आएंगे। तो और उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, लेकिन किस तरीके से उसे रिपोर्ट करना है, जो हाइब्रिड गुलाब होता है उसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसकी, जो ग्राफ्टिंग एरिया है, तो ग्राफ्टिंग एरिया हमेशा जब, चलो अच्छा इसको अभी मैं लगाती हूँ ना फिर बताती हूँ, मिट्टी के जैसे ना अंदर ना जाए जो ग्राफ्टिंग एरिया होता है, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा टाइम टू। मैंने ना पहले बहुत वीडियो बनाया इस पर, आपके हाइब्रिड गुलाब पे, शक्कर पे तो इतना ज़्यादा बनाया, शक्कर बहुत निकलती है हाइब्रिड गुलाब में, शक्कर जो होती है वो नीचे से निकल आती है, तो जब वो बढ़ने लगती है ना तो फिर आपका जो मेन प्लांट है वो ख़राब होने लगता है। ये देखिए ये कटिंग वाले प्लांट है, कटिंग से मतलब ग्रो किए हुए, तो इस तरह से जो भी ख़राब पत्ती सड़ी गली दिखे ना वो हटा दिया करिए, ये क्योंकि परेशानी ही करेंगे, राजा जी की तरह रहना इनको अच्छा लगता है, इनको मतलब वो नहीं पसंद है, गंदगी नहीं पसंद है, कि इनको अपने आसपास कोई ऐसा नहीं पसंद है कि सड़ी गली मिट्टी हो या फिर कोई पत्तियां सड़ रही हों वहाँ पे गिर जाए। अभी थोड़ा भरना पड़ेगा इसको, नहीं तो ये बहुत उसमें चला जाएगा, देखो नहीं चल जाएगा ये, इतना ठीक है। हाँ अच्छा, अब मैं ना इसमें, ये तो खुद ही का बनाई हुई मिट्टी है, ये बाहर वाली तो है नहीं, तो मैं मिट्टी को हटा नहीं रही हूँ, है ना, कोई हार्ड मिट्टी भी नहीं है ना कोई ये लाल है, ये तो खुद ही जब मैंने इसको वो शिफ्ट किया था ना, तो ये वही है। इसमें क्या चक्कर दिख रहा है, ठीक है अब इसको पानी से थोड़ा बचाना पड़ेगा, नहीं तो बस ये थोड़ा ज़्यादा ही नीचे हो रहा है। अच्छा एक बात बताऊँ, ये इसमें लगा दे रही हूँ ना, तीन साल की तो आराम से छुट्टी, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वो जो मदर प्लांट आपको दिखाया वो 4 साल हो चुका है उसी में लगा हुआ है। इसको ना थोड़ा और भरूँगी, थोड़ा हाइट में लेके आऊँगी, नहीं तो पता ही क्या होगा, बहुत ज़्यादा नीचे अंदर की ओर हो जाएगा ना, तो वो पानी भरेगा, भरना नहीं चाहिए, पानी तो ड्रेन है जो गोल से बाहर निकल आएगा, लेकिन इस जगह पे भी बहुत ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए पानी बारिश आरिश के टाइम पे, तो तभी तो प्लांट ख़राब होते हैं, उसमें वो स्केल की प्रॉब्लम होने लगती है। चलो भाई ये हो गया, आप ठीक है, और दोस्तों भाई हाँ आजकल पता है मैं ये छत पे तो यहाँ नहीं कर पा रही थी, तो मैं बहुत दिनों से मेरा वो चैनल कुकिंग वाला, थोड़ा इसमें और खाद डाल दूँ, उस वाले में मिक्स हुई नहीं थी खाद, तो वो कुकिंग वाला चैनल वैसे ही बंद पड़ा था, तो
तो उसमें मैं कुछ छोटी मोटी मतलब अपना कुछ बनाती हूँ तो वो डिश डाल देती हूँ। आज वही सोच रही थी ना, संक्रांति भी आ रही है, मकर संक्रांति, तो आज वो बनाने जा रही थी मैं, लैया के लड्डू बोलता ना मुरमुरे, उसके लड्डू। बस अब यहाँ से ये करके फिर इसी तरीके से बाकी के मैं वो तीनों प्लांट दोनों और जो हैं उनको रिपोर्ट कर दूँगी। मिट्टी के गमले को ही प्रेफर करा करिए गुलाब लगाने के लिए। गुलाब सालों साल चलने वाला प्लांट है और बड़ा ही इसको इज्जत चाहिए रहती है, मतलब इसको ऐसे ही नहीं, इसको बड़ा तो जितने मर्जी उतने प्लांट बना लिए। कई और बने थे, मतलब मैंने सोचा क्या ही कितना कटिंग रखूँगी, ये राम ये गड़बड़ करेगा, ये इतने पौधे निकाल देगा ना। चलिए भाई ठीक है। ऐसा अच्छा बता दूँ, पानी डालना है, पानी इस तरह से डालना है कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए, इस तरीके से धीरे धीरे करके पानी हमें तब तक डालना है। उसके बाद जब तक मिट्टी, देखो सर्दी है बहुत ठंड है, तभी देना है पानी जब लगे कि हाँ मिट्टी थोड़ी सी सूख रही है। और दूसरे धूप में ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। धूप ही कब निकल रही है, धूप तो निकल ही नहीं रही है फिलहाल इस समय तो यहीं पे रखूँगी। चलो भाई थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो। धन्यवाद।